Hello guys, welcome to our YouTube channel Travelthrilldiaries 2.0. Leh Ladakh video series के part 7 में हम आपको virtual tour कराएंगे एक नए adventurous journey का from Leh to Hanle. Leh से Hanle का distance around 270 km है और इसमें हमें 9 से 10 घंटे लगे. ये बहुत ही super exciting journey रही हमारी. पहले हमें उपशी जाना है, फिर लोमा, न्योमा, चुमाथांग के रास्ते होते हुए हम हैनले पहुंचेंगे। हैनले एक मेस्मराइजिंग डेस्टिनेशन है और यहाँ पहुंचने के लिए हम बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप से होकर गुजरेंगे। हैनले में एक बहुत ही बड़ी ऑब्जर्वेटरी है जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरीज में से एक है। हैनले में मोस्टली चेंगपा कम्युनिटी रहती है जो नोमैडिक लाइफस्टाइल और ट्रेडिशनल बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। हैनले ईस्टर्न लद्दाख रीजन में है और ये चाइनीज बॉर्डर के काफी क्लोज है। हैनले का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, काफी अच्छे रोड हैं और यहाँ पे आपको लैंडस्केप में काफी वेरिएशन मिलेगा। पहले की वीडियोस में जो आपने लैंडस्केप देखा है उसमें और हैनले के रास्ते में जो आपको लैंडस्केप मिलेगा उसमें काफ़ी वेरिएशन है और ये बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी है। आप देख सकते हैं पहाड़ों का कलर चेंज हो गया है, रिवर के साथ साथ ये रास्ता बना हुआ है। हैनले का रास्ता काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी अच्छा भी बना हुआ है, रोड कंडीशंस भी काफ़ी अच्छी हैं और सामने आप देख सकते हैं बिल्कुल वाइट क्लाउड्स हैं, ब्लू स्काई है और ऐसा लग रहा है जैसे एक ये पेंटिंग है और पेंटिंग में हम एंट्री कर रहे हैं। अगर आप लद्दाख ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये रिकमेंड किया जाता है कि आप ग्रुप में ट्रेवल करें। जैसे हमने पहले वीडियोस में भी बताया कि हम 6 लोग हरियाणा से लद्दाख के इस ट्रिप के लिए निकले थे और एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हम साथ ही थे, क्योंकि लद्दाख में सभी जगह काफ़ी दूर दूर हैं, आपको काफ़ी ट्रेवल करना पड़ता है तो वहाँ एक दूसरे का सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे अगर बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको रिपेयर करने के लिए कोई नहीं मिलेगा, तो आपको बेसिक मेंटेनेंस की चीज़ें आनी चाहिए, रिपेयरिंग, पंचर किट, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आनी चाहिए। रास्ते में आपको ट्रैवलर्स ही मिलेंगे और उसके अलावा आपको बहुत कम लोग देखने को मिलेंगे और ये हमारे फ्रेंड्स हैनले के लिए सुपर एक्साइटेड। और ये देख सकते हैं आप सामने कितना खूबसूरत रास्ता है, ये रिवर के साथ साथ ये रास्ता बनाया गया है और कितनी खूबसूरती से ये रास्ता बनाया गया है, कितने अच्छे कर्व्स हैं यहाँ पे। स्पीड लिमिट का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे क्योंकि साइड में रिवर फ्लो कर रही है। लद्दाख विजिट करने का बेस्ट टाइम मई टू सितंबर है, इस टाइम यहाँ का मौसम काफी अच्छा होता है। ले से हैनले के बीच में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है तो आप सफिशिएंट पेट्रोल कैरी करें अपने साथ। हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज होगा चुमाथांग। चुमाथांग हॉट वाटर स्प्रिंग के लिए फेमस है। चुमाथांग एक स्मॉल विलेज है जो लेह डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, ये इंडस रिवर रीजन में पड़ता है। यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं।
हॉट वाटर स्प्रिंग का जो पानी होता है ये काफ़ी हाई क्वांटिटी में इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं और इसमें काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। काफ़ी इंटेंसिटी के साथ ये पानी बाहर निकल रहा है और तेज़ हवा चल रही है, तो ये स्टीम देखिए आप दूर तक जा रही है और आप आवाज़ सुन सकते हैं। लाइफ में पहली बार मैंने ये हॉट स्प्रिंग ऐसे देखा है, तो ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। काफ़ी कोशिश की इस पानी को टच करके देखने के लिए, लेकिन ये इतना गर्म था और स्टीम इतनी ऊपर तक आ रही थी कि ये थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाया। काफ़ी टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया और काफ़ी इन्जॉय किया। ले से हानले का जो ये 280 किलोमीटर का सफ़र है, इसमें आपको लैंडस्केप में काफ़ी वेरिएशन मिलेंगे। पहाड़ों के कलर में वेरिएशन मिलेगा, कहीं रिवर मिलेगी, रिवर के कलर में भी वेरिएशन मिलेगा। कई जगह पे रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो रोड टूटा हुआ भी मिलेगा, लेकिन ओवरऑल ये जर्नी काफ़ी अच्छी रहेगी क्योंकि मोस्ट एरिया में रोड बने हुए हैं और काफ़ी अच्छा रोड बना हुआ है। और ये देखिए पहाड़ों का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, ये रेत वाले पहाड़ अब हम देख रहे हैं और पीछे जो हमने पहाड़ देखे थे वो काफ़ी रिजिड पहाड़ थे, रेडिश कलर के पहाड़ थे। अब ये एक तरफ हम दूर तक ये ग्रासलैंड भी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ग्रीनरी और सामने एक फिर से एक बहुत ही खूबसूरत व्यू बादलों का। और हम फिर से एक नए लैंडस्केप को देख रहे हैं, ये देखिए रोड के दोनों साइड रेडिश सॉइल है, पहाड़ों के कलर में वेरिएशन आ गया है और सामने क्लाउड्स, बहुत ही माइंड ब्लोइंग सीन है ये। हैनले के रास्ते के ये खूबसूरत व्यू, यहाँ की फ्रेश एयर, सूदिंग एटमॉस्फेयर और पीसफुल वेदर को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। हैनले के रास्ते में हमें कोई बाइकर्स नहीं मिले, कोई ट्रैवलर्स नहीं मिले, तो इसलिए आपका ग्रुप में ट्रैवल करना हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ दूर दूर तक कोई संभालने वाला नहीं है। बहुत दूर जाके कोई गांव आता है और वहाँ पे भी आपको थोड़ी बहुत हेल्प की ही उम्मीद है, इसलिए आप अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ जाएँ और ग्रुप में ट्रैवल करें। और फिर से एक बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप, वाओ ये देखिए कैसे बादलों की शेडो यहाँ नीचे पड़ रही है, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है। ये रोड भी काफी अच्छा बना हुआ है, हैनले चाइनीज बॉर्डर के बहुत पास है और इसलिए यहाँ कनेक्टिविटी के लिए रोड काफी अच्छा है। हम सुबह 9 बजे ले से निकले थे और शाम हो गई है और हम कुछ ही देर में हैनले पहुँचने वाले हैं। बीच में हमने 2-3 जगह पे स्टॉपेज भी लिया और ये 9 से 10 घंटे का सफर तय करने के बाद हम हैनले पहुँचने ही वाले हैं। बहुत अच्छी जर्नी थी ये, बहुत अच्छी रोड थी और बहुत हमने एंजॉय किया। ये अनफॉरगेटेबल जर्नी हमारी रहने वाली है क्योंकि ये जो रास्ता है बहुत ही माइंड ब्लोइंग रास्ता था हैनले तक का। रोड पे कोई भी किसी तरह की लाइट्स नहीं है, यहाँ सब दूर दूर तक खाली है, सुनसान है, तो आप कोशिश करिए कि आप अंधेरा होने से पहले अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। तो फाइनली हम हैनले पहुंच गए हैं, अब यहाँ थोड़ा अंधेरा है, लाइटिंग वगैरह नहीं है, तो अब हमें अपने लिए होम स्टे ढूंढना है। कुछ साइन बोर्ड्स यहाँ लगे हुए हैं तो अब हम होम स्टे ढूँढेंगे
और आज की रात यहीं स्टे करेंगे। काफ़ी अच्छी हमारी ये जर्नी रही आज की। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें फीडबैक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।